माननीय उपसभापति जी, ये संशोधन विधेयक के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। 2001 में माननीय ये विधेयक आया था और उसके बाद 2010 में इसका संशोधन हुआ और 2021 में पुनः इसके संशोधन के लिए लोकसभा में 2022 में पारित हुआ और सदन के समक्ष प्रस्तुत है। आज जिस तरीके की देश की और दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, इसको लेकर के सारा विश्व चिंतित है और ग्लासगो में इसी को लेकर के तमाम देशों की बैठक हुई। उसमें बैठ करके चिंतन हुआ कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक कैसे वार्मिंग को कम किया जाए। इस दिशा में कुछ वहाँ पर निर्णय, उसमें भारत सरकार ने उसमें 5 तत्व तो जिनको कहा जाता है कि हमारे लिए ये 5 मुख्य कारक थे जिनको हमने उस ग्लासगो की COP26 की बैठक में हम लोगों ने निर्धारित किया। उसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का, घरेलू कार्बन मार्केट को विकसित करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को शीघ्र कार्बन मुक्त करने तथा पेरिस समझौते और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न अन्य कार्रवाइयों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु कार्बन ट्रेडिंग और गैर जीवाश्म स्रोतों के अनिवार्य उपयोग जैसी नई संकल्पनाओं को अपनाना, कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी कार्रवाइयों को बढ़ावा देना। यह ग्लासगो 2021 की बैठक में भारत ने इन पंचामृत ने कहते हैं इन 5 तत्वों के ऊपर केंद्रित किया और मान्यवर उसी को लेकर के आज नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। और जिस तरह से आप देखें कि हम लोगों ने तय किया था कि इथेनॉल का जो है पेट्रोल में मिलाने का काम, जो ब्लेंडिंग होगी, वो 2025 तक का लक्ष्य रखा गया था कि 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में की जाएगी, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से 2022 में ही हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और आज 2022 में ही इथेनॉल की ब्लेंडिंग 10% से अधिक होने लगी। और अब हमने 2025 का लक्ष्य रखा है कि 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। इसी तरह के बायोमास के माध्यम से भी हमें एनर्जी को, उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करने की दिशा में भी तेजी से प्रयास हो रहा है और हमारा ये प्रयास है कि हम जो गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दे सकें। और इसके लिए जो भी इस संशोधन में इस जो हमने प्राविधान किए हैं जिससे कि जो बड़े भवन हैं उसमें जो 100 से और 120 मेगावाट से ज़्यादा जिन भवनों का बिजली का खर्चा आता है उनके लिए भी ये आवश्यक होगा कि वहाँ पर वो सौर ऊर्जा या दूसरे इस तरह के उपकरणों के माध्यम से ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन कर सकें और उनके लिए निर्धारित किया जाएगा कि कम से कम जितनी कंज्यूम एनर्जी वो करते हैं उसका एक हिस्सा इस तरह की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे उसका उत्पादन वो करेंगे ये उनके लिए, और ऐसा न करने पर उनके ऊपर दंड का भी प्राविधान होगा। इस तरह का भी व्यवस्था इस संशोधन में मान्यवर की गई है। इसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है इसके माध्यम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से शासी परिषद का गठन करना ताकि हम इन नियमों का पालन कड़ाई के साथ कर सकें और साथ ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद के सदस्यों की संख्या जो है अभी उसको और बढ़ाने की बात हमने इसमें संशोधन में की है। मान्यवर ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता का दायरा भी बढ़ाने की बात इस संशोधन में कही गई है। कार्बन मार्केट विकसित करने की दिशा में सरकार को प्रयास करने होंगे। ऊर्जा संरक्षण नीति के अंतर्गत आवासीय परिसरों को सभी आवासीय, जैसा मैंने कहा कि जो बड़े जहां 100 मेगावाट से लेकर 120 मेगावाट तक का बिजली के उपभोक्ता जो भवन हैं उन सबको इस दायरे के अंदर लाना होगा और उनको भी इन नियमों के अंतर्गत जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करना होगा जिससे कि हम नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें और हमारा ये प्रयास होगा कार्बन उत्सर्जन को जितना हो सके उसे कम करने की दिशा में काम किया जा सके। माननीय इन प्रस्तावित जो संशोधन, इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर हम प्राप्त हुए ऊर्जा के उपयोग करके देश में कार्बन उत्सर्जन को कमी लाने का प्रयास सरकार करेगी। माननीय इसके साथ ही 2023-30 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्मी ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करना, ये हमने जो ग्लासगो के बैठक में जो हम लोगों ने तय किया था उसमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्मी ऊर्जा का उत्पादन हमें करना होगा। 2030 तक अपनी ऊर्जा संबंधी कुल आवश्यकताओं का 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से हमें बनाना करना होगा।
जितना हमारे देश की ऊर्जा की खपत है उसमें 50% हिस्सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का होगा। इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार विकास के लिए हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा और ये संकल्प भी भारत का है और मैं समझता हूँ 2030 से पहले इस लक्ष्य को भारत जरूर प्राप्त कर लेगा। माननीय वर्तमान की तुलना में 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाने का लक्ष्य है। माननीय ये तभी होगा जब हम इस तरीके से गैर परंपरागत ऊर्जा को विकसित करेंगे और कार्बन उत्सर्जन की जितनी कमी होगी इससे हमें निश्चित रूप से 1 बिलियन टन की कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकेगी। 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी में 45% की कमी लाना है और 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है कि 2070 तक हम बिल्कुल जीरो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति में पहुंचेंगे। ये लक्ष्य हमने रखा है, ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है लेकिन जिस तेजी के साथ सरकार काम कर रही है मुझे पूरा विश्वास है कि 2030 तक हम इस लक्ष्य को 2070 तक का जो लक्ष्य है उससे पहले ही इस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकेंगे। मान्यवर जिस तरह से आप देखें कि एलईडी लाइट का हमने बाब एलईडी लाइट का जिस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग करके सरकार ने एलईडी लाइट को बढ़ावा देके बड़ी मात्रा में बिजली की खपत को कम करने का काम किया है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं कि देश में विद्युत का खर्च जो आवश्यक खर्च है उतना ही हो, कहीं अनावश्यक विद्युत का दुरुपयोग न होने पाए और इसकी खपत को कैसे कम किया जाए, क्योंकि बिजली आज सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता और निरंतर आवश्यकता बढ़ रही है। जिस तरीके से हम विकास की गति बढ़ रही है, औद्योगिक विकास बढ़ रहा है, वैसे ही बिजली की खपत तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन मान्यवर उसमें कार्बन उत्सर्जन की कमी करने के लिए हमको जो इस संशोधन में जो प्राविधान किए गए हैं मैं समझता हूँ सरकार उनको कड़ाई से लागू करेगी और ये संशोधन पारित होने के बाद ये विधेयक पारित होने के बाद निश्चित रूप से हम देश के अंदर जो हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत उनमें तो विस्तार होगा ही और हम कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी लाने की दिशा में ठोस कार्रवाई कर सकेंगे। इसलिए इस जो संशोधन का इस संशोधन विधेयक का पारित होना मैं समझता हूँ सदन के पक्ष विपक्ष से सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की है और सर्वसम्मत से इस विधेयक को पारित हो देश हित में है और आज की आवश्यकता है, वैश्विक चुनौती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जिस तरीके से हमारे पर्यावरण प्रतिकूल असर पड़ रहा है और उसको लेकर सारी दुनिया चिंतित है, उसका एकमात्र लक्ष्य है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम कर सकें, तभी यह ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकेंगे और जीवाश्म ऊर्जा का जितना कम उपयोग कर सकेंगे हम उससे उतनी ही तेजी के साथ हमें ग्लोबल वार्मिंग पर भी अंकुश पा सकेंगे। मैं इसके साथ ही इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी।